संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दीदी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो, तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी से इतनी बोरिंग होती है ना, एंड ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए एक हफ्ता हो गया है ना, और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, हम लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। तो जीजू, आप यहाँ शिफ्ट ही क्यों हुए? गुड क्वेश्चन। हमें तो अपना घर खरीदना था, कंपनी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट। जब बॉस से बात की तो बॉस ने अपना एक घर दे दिया, बोला ये घर पे रहो, कंपनी अकोमोडेशन। ये कंपनीज भी ना पैसे बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को हैरास करने के अलावा कुछ करती नहीं है। विनीता, मैं सोच रहा हूँ कल अपने बॉस से बात कर ही लूँ। देख लो, वैसे तुम्हारा बॉस सुनता तो है नहीं किसी की। राहुल, मैं टॉवल लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, बैठो बैठो, मैं लाती हूँ, आप बैठो। कहाँ है? मेरे ख्याल से तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए, तुम लंबी जर्नी करके आई हो ना, इसलिए थक गई हो। दीदी, मैं बस तक बोल रही हूँ, मैंने आप भी अपने आँखों से देखा यहाँ पे वो। संगीता, दीदी सही बोल रही है, तुम जाके रेस्ट करो। जाओ। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट जीजू। मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहाँ गए? लगता है दीदी सही कह रही थी, ट्रैवलिंग की वजह से ना उसके दिमाग में लोचा हो गया। बदबू
बदबू कहां से आ रही है? लगता है कमरा बहुत दिनों से बंद था। फैन ही नहीं है यहाँ पे। एसी का रिमोट। अरे अब इसको क्या हो गया? एसी क्यों नहीं काम कर रहा? ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई होगी। चेहरा भी नीला पड़ गया था। शायद अस्थमा का सीवियर अटैक आया होगा। उनका ऑक्सीजन पंप नहीं था क्या? पर डॉक्टर साहब, संगीता को अस्थमा नहीं था। इनफैक्ट वो तो एथलीट थी, मैराथन में दौड़ती थी, उसे कैसे हो सकता है अस्थमा? अजीब बात है, लगता तो अस्थमा ही था। एनीवेज, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सी यू। विनीता, हम लोग जब से इस घर में आए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। हम और इस घर में नहीं रहेंगे। मैं आज ही अपने बॉस से बात करता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। या प्लीज कम सिट। या चलने स्वप्निल, कल हमारे घर में मेरी वाइफ की सिस्टर संगीता, उसकी डेथ हो गई। व्हाट? ओह माय गॉड, आई मीन हाउ कम? ये वेरी सैड टू हियर दिस, लेकिन सब हुआ कैसे? डॉक्टर का कहना है कि उसे सीवियर अस्थमा अटैक पड़ा है। बहुत दुख हुआ ये सुन के। अब लेकिन स्वप्निल, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो मुझसे कहो, तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जी सर, आपकी हेल्प चाहिए। सर, कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉई लोन सैंक्शन होता है, प्लीज वो सैंक्शन कर दीजिए। ये घर हमारे लिए बहुत अनलकी है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। एक तो ये घर शहर से इतना दूर है, मेरे बेटे का वहां पे कोई दोस्त भी नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर तो ले ही नहीं पाऊंगा। सर, अगर आप लोन सैंक्शन करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनील, वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन किसी के लिए भी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन रिकमेंड योर नेम। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय लव,
I'm sorry. मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम हैं? Yes. Guess what? हमें जो नई कार खरीदनी थी ना, उसके टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार बाहर खड़ी है. चलो ना प्लीज प्लीज, यू नो अजय, दिस वुड बी द बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी. चलो ना प्लीज. अब एक एक सेकंड, सपने तुम सोचो और फिर बताओ मुझे. मम्मी खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है. मम्मी 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 राहुल, हैंड वॉश करके कुछ खा लो. राहुल मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो. राहुल क्या कर रहे हो बेटा, मैं कब से आवाज दे रही हूं ना आपको. चलो कुछ खा लो. तुम खाओ, मैं आती हूं. विनीता तुमसे कितनी बार कहा है ये बाहर का दरवाजा बंद करके रखा करो. आपका मूड क्यों खराब है? मैंने अपनी लाइफ में इतना इनसेंसिटिव आदमी नहीं देखा. अपनी सेकंड वाइफ के लिए एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद सकता है लेकिन मेरे लिए लोन नहीं पास कर सकता. पापा आपको पता है मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में. राहुल तुम्हें कितनी बार बोला है? खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते. जाओ जाके खाना खाओ जाओ. राहुल ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना. विनीता विनीता आई एम सॉरी. नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ. ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे. ठीक है चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ.
तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है। पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल ब्रीफकेस किसका है? बेटा तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। थिंक अबाउट इट, ये घर तुम्हारे बॉस का है, ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के है या उन्हें पता होगा किसके है। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन हम इस जंगल से बाहर निकल कर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियाँ खुद चलकर तुम्हारे दर पे आएंगी और तुम कह रही हो कि नहीं लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूँ, ठीक है? Thank you.
ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से, पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या ये सब कैसे हुआ? अच्छा जी मुझे बताइए प्लीज। बेटू, स्वीटहार्ट, सी हियर आई कम, वेयर आर यू? ओहो क्या बात है, लेनो बाहर तक खुशबू आ रही है, लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही। अरे वाह, सो गुड, लव यू स्वीटहार्ट। अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। बाय द वे देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए, ऐसे मौसम में शिल्पा शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय चिंता मत करो, वो आ जाएगा, खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। कॉफी।
अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला पेशनी के पटरी पे फेंक देना, नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा, समझे? अजय, अजय, I'm sorry, अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती, तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आए, सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया, प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेज तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा, अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ बेटा, प्लीज। पापा को बुला, पापा को बुला, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे, लेकिन
पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग, I'm perfectly fine. मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे, ये आपको बोला किसने? स्वप्निल की वाइफ विनीता ने। शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, वो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ। विनीता, विनीता, तेरे को अस्थमा है, उसे अस्थमा का अटैक आ रहा है, उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हेलो 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 हेलो, मेरा बेटा वो आपसे मिलना चाहता है, पर मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो पापा आ गए। बेटा देखो, देखो पापा आ गए। ये क्या हो गया आपको? अजय अजय, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अजय आओ ना प्लीज, अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अजय अजय मुझे इसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज रोको इसे। अजय तुम्हारा बेटा मुझे मार देगा। तो ये तुम्हें क्यों मार दे? तुमने क्या किया इसके साथ? लो काका डरो मत, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। लेकिन देव अभी बहुत छोटा बच्चा है मालके। काका, इसी तरीके से आप अपनी बीमार पत्नी को बचा सकते हैं, और हम दोनों को जीने के लिए पैसे चाहिए। पैसे? और वो कज्जू सचे का बच्चा, वो
ऐसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला प्रेसनी के पटरी पे फेंक देना। भगवान ये क्या हो गया? भगवान ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, हे भगवान, छोड़िए काका, छोड़िए मुझे।
चले गए थे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.